हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज जो है हमारे यहाँ जो गणेश जी की स्थापना हुई थी, 9 दिन हो गए हैं पूजा होते हुए, अर्चना होते हुए, और अब आज जो है हवन होने वाला है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा हवन के बिना पूरी नहीं होती है। तो आज हवन होने वाला है और उसके बाद, हवन के बाद भंडारा होगा, सबको प्रसाद खिलाया जाएगा। तो वो मैं आप लोगों को वहीं चल के दिखाती हूँ। चलिए, अब मैं आ गई हूँ जहाँ भगवान गणेश जी की पूजा हो रही है। आज 9वां दिन है, पूजा अर्चना हो रही है और उसके बाद हवन होगा, इस तरह से संपन्न होगा। उसके बाद फिर भंडारा होगा, जो कि प्रसाद सब में वितरण किया जाएगा। ये देखिए, दर्शन करिए, गणेश जी के दर्शन करिए, फिर उसके बाद भंडारा होने के बाद फिर विसर्जन की प्रक्रिया होगी। ये पंडित जी भी बैठे हैं। सभी भक्तगण, देखिए सभी भक्तगण, ओम नमः श्री विष्णु 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 नंद शरादि नर्वद सिंधु आर्य यशनिधम कुरुकुटि त्रिलंकाय सर्वास्त्रानि चेतानि चंपन्यतिकानि शंभरपात्रे शुभम भवन्तु। ओम नमः श्री विष्णु विष्णु विष्णु। देखिए मेन पुजारी जो बच्चे बन के बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, समिति वाले हैं सब। देखिए पंडित जी पूजा करा रहे हैं, शंख की ध्वनि सुनिए, पूजा हो रही है। पंडित जी जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे कर रहे हैं बच्चे पूजा। धूप दीप जला रहे हैं, ओम धरती माता प्रणाम कर लीजिए, थोड़ा ओम सूर्य चढ़ लीजिए, ओम पृथ्वी उठी दुग्धाहन रुवन रुवन केवल विघ्नहतं विश्वनाधि उपकाः तन्न धर्म। इसके बाद हवन होगा। ज्ञान धरी की धरती नित्यं मा नित्यं पवित्रं आसनं कुरु हे धरती माता यो नमस्कार। ओम तत्वार्थं सत्यं सत्रवानं गृहीत्वा ईशानवादि सर्वं देशनं कृते कहते मंत्रों की आवाज आ रही है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। टीका लगा रहे हैं बच्चे, देखिए। ये लेके बैठी है, घंटा अभी बजाएगी, आरती होगी तो सूर्यभद्राय कृष्णेन सूर्यभद्रं नमः।
अब हवन चालू हो रहा है, पूरे हवन की तैयारी हो गई है, पूजा तो संपन्न हो गई गणेश जी की, लेकिन अब हवन चालू हुआ है, पूरी तैयारी हो गई है। देखिए चालू किया जा रहा है, सब बैठे हैं आहुति देने के लिए। व्यवस्था तो बाहर की गई थी लेकिन अचानक बारिश होने लगी, इसलिए यही गणेश जी के पास ही व्यवस्था, तात्कालीन व्यवस्था की गई। अग्नि देवता देखिए आग जला दी गई है। ओम अग्नि देवताय आसनं प्रतिगृहे देवताय आसनं ओम अग्नि देवताय अर्घ्यं प्रतिगृहे तारं अग्नि देवताय अर्घये नमः देखिए सुनते जाइए। ओम प्रजापतये आहुति दे रहे हैं, घी की और हवन सामग्री की आहुति दी जा रही है। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, भगवानों का नाम लेके उन्हें आहुति दी जा रही है और साथ में स्वाहा का उद्घोष किया जा रहा है। ओम सुमाय स्वाहा, सुमाय स्वाहा। ओम विभो इतेश मंत्रस्य प्रजापते रोषे गायत्री छंद अग्नि देवता महा। सभी देवी देवताओं का नाम लेके आहुति दी जा रही है। मग्नाय स्वाहा, ओम भूवस्व मग्नाय स्वाहा, ओम भूवस्व मग्नाय स्वाहा, ओम भूवस्व इतस्य मंत्रस्य प्रजापते रोषे उत्तिष्ठं छंदः। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा होती है तो उसमें तभी संपन्न होती है जब हवन हो जाता है, इस तरह से हवन चल रहा है। अभी सब आहुति देंगे, पंचे देंगे, उसके बाद कर्म कमादने शंख वर्धनम अग्नि देवता भी खुश है, अच्छे से चल रहे हैं। ओम वैदिक अग्नः कं अन्नं प्रसादं कर्मं संपादने शुचिनमग्नाय स्वाहा, पदं शुचिनमग्नाय स्वाहा।
सभी पांच पांच बार आहुति डाल रहे हैं हवन में, कुछ खड़े हैं, कुछ डाल चुके, मैंने भी डाल दिए और अब बाकी सब डाल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं आहुति डालने के लिए। देखिए सब आहुति डाल रहे हैं। ओम अश्वनादे शत्रुवेशम नक्षत्राय स्वाहा। ओम अश्वनादे शत्रुवेशम। पूजा संपन्न हुई, हवन संपन्न हुआ, अब आरती हो रही है गणेश जी की। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत। इसके बाद भंडारा होगा, सभी को दिया जाएगा, सब लोग ग्रहण करेंगे। सब भक्त जन बड़े प्रेम से आरती गा रहे हैं। लड़वन का भोग लगे संत करे सेवा, लड़वन का भोग लगे बोलो शक्ति की असत्य का नाश हो, धर्म की अधर्म का नाश हो, जगत का कल्याण हो, प्राणियों में प्राणियों में बोलो गौ माता की, बोलो गौ माता की, सब संतों की, सब संतों की, सब तीर्थों की, सब तीर्थों की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की, शंकर भगवान की, भोलेनाथ की, दंतेश्वरी मैया की, कालरात्रि मैया की, महागौरी मैया की, अम्बे मैया की, जगदम्बे मैया की, हर हर महादेव। पूजा हो गई है, संपन्न हो गई है, अब खिचड़ी का भंडारा हो रहा है, खिचड़ी का प्रसाद दिया जा रहा है, देखिए बट रहा है, सब बड़े शौक से खा रहे हैं लेके। ये देखिए सब बड़े शौक से खा रहे हैं लेके। चम्मच नहीं है, चम्मच नहीं है, इधर देखो बेटा नरेन।